राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के एक ब्लॉक अकबरपुर के ग्राम खुलासपुर में मैं शोध करने गई और उसी गांव से मुझे मुद्दा मिला है सरकारी योजना शिक्षा और सह मुद्दा मिला कि उस गांव में भवन नहीं है जहां बच्चे पढ़ सकते हैं। पात्र हमारे राजेंद्र भाई हैं, उनके साथ सहपात्र में पूरे गाँव हैं जो इस मुद्दे से प्रभावित हैं। स्कूल कामदागंज स्कूल पढ़ाई जा रहे हैं लड़के हमारे, अरे गांव के मतलब जो हमारे थे मतलब जा रहे थे तो वहाँ दो बच्चे मतलब डूब के मर गए, अब इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, बाग में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, खुलासपुर में स्कूल ना भैया? नहीं, खुलासपुर स्कूल नहीं है। सावित्री खुलासपुर और टीचर हैं हम। मैडम जी, बाग में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि विद्यालय क्लासरूम में नहीं है इसलिए हम बाग में पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। हम यही सोच रहे हैं कि हमारे क्लासरूम में स्कूल विद्यालय बन जाए जिससे बच्चे वहाँ आराम से पढ़ें। मेरा नाम गोल्डी है, मेरा घर खुलासपुर है। मैं पढ़ने जाती, मेरे दीदी लोग पढ़ने जाती थी तब वहाँ पे डूब कर मर गई थी। कहाँ पढ़ने जाती थी बेटा? कामतागंज। आप कहाँ पढ़ती हो? बागी। कितना बच्चे हो सब बेटा? 110। पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं। कितना टीचर हैं? एक। लाजपुर गांव में स्कूल काफ़ी दिनों से नहीं है, बहुत कभी भी यहाँ स्कूल की स्थापना नहीं हो सकी। एक बार बीच में यहाँ स्कूल की स्थापना हुई थी लेकिन जो है तत्कालीन प्रधान और हेडमास्टर की लापरवाही से वो स्कूल यहाँ से चला गया था। 20 सितंबर 2010 को शाम के 4-5 बजे के आसपास कुछ बच्चे नदी के उस पार सुल्तानपुर जनपद से पढ़कर आ रहे थे, नदी भरी हुई थी, नाव में बैठकर इस पार आ रहे थे कि नाव पलट गई, 14 बच्चे डूब गए थे जिसमें 2 बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वो कहाँ के बच्चे थे प्रधान? खुलासपुर के बच्चे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है मतलब हम चुनाव जीते, फिर हमारे समझ में आया कि यहाँ पर स्कूल की स्थापना बहुत ज़रूरी है। तब से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमने ज़मीन का आवंटन भी कर दिया है लेकिन अभी स्कूल का भवन निर्माण नहीं हुआ है और उसके बाद जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं, स्कूल बनने की संभावना है जल्दी से जल्दी। मैं चाहती हूं एसएमसी समितियों द्वारा खुलासपुर गांव का निरीक्षण किया जाए और जमीन व स्कूल निर्माण हेतु पैरोकारी किया जा सके ताकि बच्चों के शिक्षा में वृद्धि आ सके और जो रुकावट हैं वो दूर हो सके। मैं अपील करती हूं कि एसएमसी अध्यक्ष राम बुझावन के मोबाइल नंबर 88-74-47-36-84 पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहड़ के लिए।